हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर मैं किसी शेयर में बाय करता हूँ, किसी शेयर को बेचता हूँ तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, शेयर कैसे सिलेक्ट करता हूँ, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। और ये आप ही में से किसी ने कमेंट में पूछा था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं जस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ पर मैंने कौन से शेयर पहले लिए थे, कौन से शेयर मैंने बेचे हैं, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको मेरा वेबसाइट पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है, जहां पर यहाँ पर आप डालोगे जो चैनल का नाम है, वही मैंने वेबसाइट पहले ले ली थी। और इसके अंदर मेरा एक ही गोल था, एक ही मकसद था कि सबको पैसे कैसे कमाने हैं या पैसे किस तरीके से कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये वेबसाइट ले लिया था, ठीक है, ये डोमेन ले लिया था। और उसमें मुझे जस्ट सबको फाइनेंशियली अवेयर करना था फ्री में, ठीक है। इसमें कोई मकसद नहीं है कि चलो मैं ये चीज करके आपसे कुछ पैसे ले लूं। तो लेकिन यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करता हूँ, ना मैं किसी ब्रोकर को या जो जहां पर आप डीमैट अकाउंट खोलते हो उसको प्रमोट करता हूँ, ना किसी चीज को मैं प्रमोट करना पसंद करता हूँ। और ना ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर भी मैं कोई ये चीजें नहीं बोलता कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पर टिप दूंगा। तो टिप देना देखो इलीगल है, और आजकल ये चीजें भी सामने तो बहुत लोगों की आ रही है कि इलीगल टिप देके बहुत लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं। वो पैसे कमा के निकल जाते, लेकिन आप जैसे लोग नुकसान भुगतते रहते हो। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सेफ रहे। और मेरा मेन यूट्यूब पे आने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर यूट्यूब पे आजकल बहुत लोग फंसा रहे हैं। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था कि बहुत लोग बोलते पेनी स्टॉक को कि ये पेनी स्टॉक ले लो, इससे आप कई गुना पैसा कमाओगे, 100 गुना पैसा होगा, 200 गुना पैसा होगा, या आप करोड़पति हो जाओगे, सब बेच बाज के ये शेयर में लगा दो, इस तरीके के मैंने देखे थे। और पहले तो मेरा एक्सपीरियंस तो है, मैं लगभग 2014 से मार्केट में सीख रहा था, समझ लो सीख ही रहा हूँ, और अभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, आज भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। तो वो सारी चीजों में से किस तरीके से मैं खुद को निकालता हूँ, किस तरीके से प्रॉफिट लेता हूँ, तो ये मेरी जर्नी किस तरीके की है वो आपके सामने मैं लाते रहता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सुमिटोमो केमिकल करके ये कंपनी है, और साथ में सिंफोनी है। तो इनके वीडियो लेटेस्टली मैंने डाले हुए, ठीक है। तो YouTube पे आपको ये मिल जाएगा। और ये वेबसाइट पे मैंने डाला कब है, तो 6 अप्रैल को डाला है, ठीक है, 6 अप्रैल और ये 25 मार्च को। तो वो टाइम की मेरी बाइंग होती है, या टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पे भी वो अपडेट मिल जाएगा कि कौन से टाइम को मैंने ये वीडियो का या ये शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली होती है, यानी जिस टाइम पे डाली है कि ये शेयर मैंने बाय किया वो टाइम पे मेरी बाइंग होती है, और कौन से भाव पे खरीदा, कौन से ये वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ, या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो टाइम पे क्या भाव चल रहा था, ठीक है। तो 1-2% के तो प्रॉफिट के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता, कम से कम 20% या 20 से ज्यादा मुझे चाहिए होता है अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और लॉन्ग कर रहा हूँ तो लॉन्ग में मैं चाहता हूँ कि वो 100% हो जाए या 100 से ज्यादा हो जाए तो काफी अच्छा लगता है। तो शॉर्ट में 20% भी चल जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं। तो यहां पर देख सकते हो सिंफोनी,
तो इसके बारे में पहले इसके फंडामेंटल देखता हूँ, उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेता हूँ। और अगर वो शेयर अभी देखो, बहुत लोगों का होता है कि गिरते छुरी को पकड़ना नहीं चाहिए या गिरते शेयर को नहीं पकड़ना चाहिए, इस तरीके के बातें मार्केट में बहुत लोग करते हैं। लेकिन मैं गिरते हुए शेयर को पकड़ता हूँ और गिर रहा है तो मैं उसमें क्वांटिटीज खरीदते खरीदते जाता हूँ, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और वहां से ये रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी उम्मीद पे मैं रहता हूँ और उसमें मेरा एक फायदा हो जाता है कि मेरे पास क्वांटिटीज बढ़ जाती है और क्वांटिटीज बढ़ने के बाद तो एवरेज प्राइस एक सही से आ जाता है, कम वाला प्राइस आ जाता है। देखो तो मैं कभी भी शेयर को टॉप पे खरीदना नहीं पसंद करता, यानी अगर कोई शेयर हाई पे चल रहा है, ठीक है, अगर कोई शेयर देखो 50 से 100 रुपए हुआ है तो 100 रुपए पे मैं खरीदना नहीं पसंद करूंगा। जब वो 70 पे आ जाए, 60 पे आ जाए तो मैं खरीदता हूँ। तो चाहे बहुत लोग सोचेंगे कि यार शेयर में कुछ खराबी चल रही है, कंपनी में कुछ खराबी चल रही है, इस वजह से शेयर्स डाउन है, तो उनकी ये सोच होती है, उस वजह से फिर वो शेयर से दूर रहते हैं क्योंकि गिरा है और जो बढ़ रहा है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं उल्टा करता हूँ और ऐसे करके ही अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि मेरे ये वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन मैंने इसीलिए डाली है ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि अभी तक कितने सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पर जस्ट मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये कंटेंट के अंदर कौन से मेरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, तो यहाँ पर ये भी दिख जाएगा। या फिर आप मेरे लोगो पे अगर ये कम जो है उस पे आप क्लिक करते हो तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन सभी मिल जाती है, ठीक है। तो कौन से लेटेस्ट मेरे प्रॉफिट बुकिंग है तो रिसेंट के भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, ठीक है, ये सारे। और मैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चाहूंगा, तो देखो माय प्रॉफिट बुकिंग शेयर, यहाँ पर जैसे ये करोगे तो प्रॉफिट बुकिंग के शेयर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट होम दबाओगे, ठीक है, तो होम पे अगर जाते हो तो होम के अंदर ये सारे रिसेंट पोस्ट भी दिखेंगे और साथ में आपको मेरी पुराने जो भी शेयर्स थे, यानी यहाँ पर मैंने लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारी लिस्ट है। तो ये लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे और जिसके वीडियोस यहाँ पर मैंने वेबसाइट पे भी डाले हो वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, तो ये चीज है। और यहाँ पर देखोगे बहुत सारे शेयर्स हैं, तो वो सारे शेयर्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे शेयर्स में से मैं बाय कौन से भाव पे खरीदा, कौन से पे सेल किया, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये भी देख सकते हो कि ये इसलिए भी है कि ये मेरा खुद के लिए भी एक रिकॉर्ड बन गया कि मैं कौन से शेयर्स बाय किए थे, मैंने मेरे पास कौन से शेयर्स थे और कितने साल पहले थे, आज उनका क्या भाव है, कल फ्यूचर में उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है या और कुछ इसमें ग्रोथ दिख रहा है, ये सारी स्टडी के लिए भी मेरे काम आता है, इसलिए भी मैं ये वीडियो बना देता हूँ और उससे कुछ लोगों को सीखने भी मिलता है। चाहे लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन फिर भी देखते देखते काफी लोग जुड़ चुके हैं मेरे चैनल से, और उसमें उनसे मेरी ज्यादा कोई उम्मीद नहीं होती है, जस्ट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जस्ट एक लाइक और शेयर जरूर कर देना चाहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, जस्ट आपको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अगर आपको किसी का भी नॉलेज अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप उनको थोड़ा सा यही चीज करके कि चलो इनका नॉलेज और लोगों तक बांट के, क्योंकि आप तो खुद तो वो मेहनत नहीं कर रहे हो कि आपके आपका जो नॉलेज है आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको आप आगे लेके जा सकते हो, तो वो एक चीज किया करो। अगर नहीं भी करते हो तो वो आपकी वो सोच होती है, ठीक है, कि आप अपना सिर्फ खुद का सोच रहे हो, ये चीज होता है, और इससे मैं ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रखता हूँ। तो मेरा काम है जस्ट मेरे बारे में, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँ, ठीक है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जस्ट मेरे ही अराउंड होती है, जस्ट मैंने कौन से शेयर्स लिए, कौन से शेयर्स बेचे, ठीक है, और इसमें मैं कभी भी देखो बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन देना कंप्लीटली इलीगल होता है, गलत होता है, इसलिए मैं बाय और सेल नहीं बताता, चाहे
जब तक देखो अगर मैं लाइसेंस भी ले लूँ कुछ भी ये कर लूँ फिर भी अगर मैं आपसे कमाना ही नहीं चाहता, ठीक है, शेयर मार्केट से कमाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे वो उसका मतलब भी नहीं बनता। फिर भी मैं वो चीज करने वाला हूँ, तो वो आरए लाइसेंस में जरूर सेबी रजिस्टर करके वो आगे फ्यूचर में आपके लिए फ्री में ही चीजें देने की कोशिश हमेशा करूंगा, ठीक है। और जो भी है शेयर मार्केट मुझे तो पैसा दे ही रहा है और प्रॉफिट होता ही है। देखो डाउन पे कोई भी शेयर्स को खरीदते हो और वो फिर से वो पुराने प्राइस पे आ जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाते हो, लेकिन उसके लिए सबर भी करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो अगर वो आप सबर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, तो जरूर आपको फ्यूचर में फायदा ही होगा। तो ये जरूर चीज पे ध्यान दो, और यही मेरी स्ट्रैटेजी, इससे और बढ़कर कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट जी को भी फॉलो करोगे तो वो सस्ते दाम का या डिस्काउंट का वेट करते हैं, यानी कोई अच्छा कंपनी अच्छा शेयर जब डाउन पे आ रहा है, सस्ते भाव पे आ रहा है, उसमें कोई भी चीज खराब भी होती है थोड़े टाइम के लिए होती है, उसके बारे में कोई बैड न्यूज आई है, उसके बारे में कोई लीगल नोटिस आया है, या लीगली कुछ उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, ठीक है, तो या मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ सडनली थोड़े टाइम के लिए भी चीजें खराब हो जाती है। कभी कभी बड़ी चीज भी खराब, मतलब बड़े लेवल पे भी खराब हो सकती है। कभी कभी कंपनी इतना भी हो सकता है कि कंपनी के लिए वो काफी बुरा भी न्यूज हो सकता है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म की न्यूज है या इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जाएगा, ठीक है। अगर कोई देखो कंपनी में कोई बड़ा करप्शन करता है या बड़ा कोई फ्रॉड करता है तो उसमें कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी के मैनेजमेंट में एक बंदे ने या छोटा मोटा कुछ झोल कर दिया या कुछ गड़बड़ कर दी तो उससे पूरी कंपनी को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर कोई बड़ा लेवल पे कोई चीज हो रही है तो उससे जरूर कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो उस सब चीज का ध्यान देना चाहिए, उस चीज के बारे में अवेयर भी होना चाहिए, और एक शेयर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए। कम से कम 10 लो, 20 कंपनीज लो, 30 कंपनीज लो, मैं तो जितनी ज्यादा हो उतनी मेरे लिए अच्छा समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकलते रहता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 6-7 पोर्टफोलियो मैंने बना के रखे, फ्रेंड्स फैमिली ये सारी चीजों का मिला के, मेरा खुद का भी, मेरे खुद के 6-7 है, और बाकी यहाँ वहां से भी ट्रेड करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा अगर मैं देखो ज्यादा ट्रेड मेरे ही अकाउंट पे करूँ तो टैक्स टैक्स भी ज्यादा लग जाता है। आजकल तो टैक्स भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म टैक्स, या और मेरे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म के ही टैक्स होते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कर लेता हूँ, और गवर्नमेंट का वो कंपलसरी होता है कि वो टैक्स भरना ही है, ठीक है। वो स्पेशल रेट के कैटेगरी में आता है अगर आप शेयर मार्केट से कमाते हो तो, और ऑप्शन और ये चीजें नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन पहले किया करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन अभी ये चीजें नहीं करता क्योंकि उसमें पैसा बनते हुए मुझे नहीं नजर आया। प्रॉफिट होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन चला जाता है, और शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट टिक जाता है, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट टिक जाता है। जितने झटपट और जितने जल्दी सक्सेस मिलती है उतनी जल्दी चली जाती है, और जितना आराम से मिले वो टिकता है। तो इस पे मैं अभी फिलहाल भरोसा करता हूँ और उसी से जरा कैपिटल अच्छा बनाते जा रहा हूँ। और भी लॉन्ग जाना है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए एक स्पेशल एकदम बड़ा पोर्टफोलियो बना के रखा है मैंने, उसमें भी काफी शेयर्स काफी अच्छे ग्रोथ में हैं, और पेनी स्टॉक का भी एक अलग से पोर्टफोलियो बनाया, वो भी उसमें भी काफी स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। और ट्रेडिंग के लिए भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें ट्रेडिंग करते रहता हूँ, एमटीएफ ट्रेडिंग, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेके भी प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, उसके भी बारे में बता रहा हूँ। तो सारे वीडियोस आप देखते रहो, उससे सीखने ही मिलेगा, और स्ट्रैटेजी हर एक इसमें बताते ही आया हूँ अभी तक, तो कि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसको मैं खरीदता ही हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो जरूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।